बिस्मिल्लाह रहीम, मैं हूं जिशान रसा और आप मेरा यूट्यूब चैनल जिशान रसा ऑफिशियल देख रहे हैं। नासरीन, पाक बहरिया ने एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया है भारत को। पाक बहरिया ने जो है वो बैनुल अक्वामी समंदरों में धकेल दिया है और पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी समंदर में जो कोशिश थी भारतीय बहरी आपदोस्त की, उसे जो है वो नाकाम बना दिया है। पाक बहरिया ने एक मरतबा फिर जो है वो दुश्मन को पेशावराना सलाहितों से जो है वो मुँह तोड़ जो है वो जवाब दिया है और भारतीय आपदोस्त जो है उसकी जानिब से कोशिश की जा रही थी पाकिस्तानी समंदरों में जो है वो दाखिल होने की जासूसी के जो है वो अजाइम के लिए, और इस जो कोशिश को नाकाम बनाया है इस मरतबा पाक बहरिया ने। इससे कबल भी हम आपको बताएंगे कि कब कब ये कोशिश की गई और पाक बहरिया ने जो है इस कोशिश को जो है वो नाकाम बनाया है और वक्त से पहले जो है वो सुराख लगाकर पेशावराना सलाहितों से मुँह तोड़ जो है वो भारत को जवाब दिया है और भारतीय आपदोस्त जो है उनको डिटेक्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो है वो तमाम तफसीलात जो है उससे आगाह करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, इस मरतबा फिर एक बार फिर जो है वो पाक बहरिया ने जो है वो मुंह तोड़ दुश्मन को जो है वो जवाब दिया है पेशावराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए। वक्त से पहले जो है वो भारतीय बहरी आपदोस्त जो है उसको डिटेक्ट किया है। इससे कबल भी जो है वो 2016 और 2009 में जो है ये कोशिश की गई थी जिसको जो है वो पाक बहरिया ने वक्त से कबल ही जो इस ये जो कोशिश थी भारतीय आपदोजों की वो दो मरतबा पहले की गई, जिसके बाद जो है वो 16 अक्टूबर को इस बार फिर जो है ये कोशिश की गई, जिस इन कोशिशों को नाकाम हमेशा से पाक बहरिया ने जो है वो बनाया है और एक बार फिर जो है इस कोशिश को नाकाम बनाया है। पाकिस्तानी समंदर में दाखिले की जो कोशिश थी उसको पेशावराना सलाहितों से जो है वो पाक बहरिया ने जो है वो नाकाम बना दिया है और भारतीय आपदोस्त जो है इसको डिटेक्ट किया गया है। डिटेक्ट बहरिया ने जो है वो निशाना नहीं बनाया क्योंकि अमन की जो जो कोशिश है, जो पॉलिसी है, अमन के क्याम की जो पॉलिसी है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ऐसा नहीं किया गया और पाक बहरिया ने दुश्मन को मुँह तोड़ जो है वो जवाब जो है वो दिया है और पेशावराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए जो है वो वक्त से पहले जो है जो सैबरीन है इसको डिटेक्ट किया गया है। इससे कबल 2016 में और 2019 में भी इसी तरह से जो है वो डिटेक्ट किया गया। वक्त से पहले जो है वो सुराग लगाने की जो है वो सलाहियत सिर्फ पाक बहरिया के अंदर है। वक्त से पहले सुराग जो है वो हमेशा से जब जब पाक जो है वो जब जब कोशिश की गई भारतीय बहरिया की जानिब से जासूसी की, और जब जब इस तरह की जो कोशिश की गई है तो पाक बहरिया ने मुँह तोड़ जो है वो उसका जवाब दिया है और वक्त से कबल जो है वो इन आपदोजों को जो है वो डिटेक्ट किया है। और इस मरतबा भी पाक बहरिया ने जो है वो वक्त से कबल जो है वो जो हदूद में समंदर में पाकिस्तानी समंदर में जो है वो कोशिश की जा रही थी दाखिल होने की, इसको जो है वो फौरी तौर पे जो है वो नाकाम बनाया और चाहते तो निशाना बना सकते थे लेकिन अमन के क्याम की जो पॉलिसी है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ऐसा नहीं किया गया और वापस बैनुल अक्वामी जो समंदर है उस तरफ जो है वो इस सबमरीन जो है उसको धकेल दिया गया है और पाकिस्तानी समंदर की जो हदूद है उसमें जो है वो दाखिल होने की जो कोशिश थी उसको जो है वो नाकाम बनाया है। और ये तीसरा वाक़या है। इससे कबल जैसा मैंने आपको बताया कि दो वाक़यात जो हैं वो पहले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान की हमेशा कोशिश अमन की कोशिश रही है और ये आज दुनिया देख ले, आज यकीन करें कि दुनिया जो है वो इस बात की गवाह है, देख सकती है कि हमारी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से जो है वो अमन के क्याम की जो पॉलिसी है उसको मद्देनज़र रखा गया है और दुश्मन के नापाक इरादों को किस तरह से जो है वो पाक बहरिया ने जो है वो नाकाम बनाया है। और दो इससे कबल जब भी कोशिश की गई तो पाक बहरिया ने वक्त से कबल जो है वो अपनी पेशावराना सलाहियतें इस्तेमाल की और दुश्मन के तमाम नापाक अजाइम जो हैं उनको चकनाचूर किया, मिट्टी में मिला दिया और एक बार फिर जो है वो पाक बहरिया ने जो है वो दुश्मन की इस जो नापाक इरादा था इसका वो उसे नाकाम बनाया है। तो नाज़रीन, पीएन लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट
के जरिए जो है भारतीय आपदोज की जो कोशिश थी पाकिस्तानी समंदर की हदूद में दाखिल होने की, इसे पाक बहरिया ने जो है वो नाकाम बना दिया है। तो आज के खबर के हवाले से अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।